झांसी जिले के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते कई ऐसे केंद्र संचालित हैं जहां लोगों के साथ उपचार के नाम पर जमकर लूट खसोट की जा रही है। कुछ यही देखने को मिला झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में, जहां अल्ट्रासाउंड डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक बच्चा दिखाया गया और जब वे गर्भवती महिला का दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड हुआ तो रिपोर्ट में 3 बच्चे पाए गए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस से करते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुढ़िया निवासी पुष्पेंद्र पांडे पुत्र राजेश कुमार ने कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी की पत्नी 5 माह की गर्भवती होने की वजह से पेट में दर्द होने की शिकायत थी, जिसके चलते वे अपनी पत्नी को लेकर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर के सामने पलाया था। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र पांडे। कहाँ से हैं? बुढ़िया से। क्या समस्या हो गई आज? जी मैं ये समस्या हो गई कि जो दुआ का प्रसाद डॉक्टर हैं जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो हमने उनके यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाया, लगातार 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाया। जब हमने उनसे अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने हमसे कहा कि आपका बच्चा एक ही है पेट में, ठीक है। इसके बाद हम जब जहाँ और उनकी बोले हमसे इलाज करवाओ, तो हम उनके बोले 15,000 रुपये आप जमा कर दो, हम आपका इलाज लगातार करते रहेंगे और हम आपका जब तक इलाज करेंगे तो आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो आपके बच्चे ख़राब हो जाएंगे। एक बच्चा हमारा पहले गिर चुका था, तो मतलब सुबह बोल रहे थे कि आपका अब नहीं गिरेगा। झांसी में क्या करा? फिर हम जब झांसी गए तो झांसी में हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड में 3 बच्चे बताए और जी यहाँ पर फैजी रिपोर्ट बनाते हैं। इसकी शिकायत हमने आज थाने में की है। क्या कार्रवाई की पुलिस? अभी हाल तो कुछ नहीं की है। ये कल थाना मरानीपुर में भूपेंद्र पांडे पुत्र राकेश कुमार निवासी बुडरा थाना मरानीपुर ने लिखी तहरीर दी कि डॉक्टर द्वारिका प्रसाद गुप्ता मरानीपुर द्वारा किए गए गलत इलाज व रिपोर्ट के कारण उनकी पत्नी की स्थिति गंभीर है व मृत्यु की संभावना हो सकती है। इस संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।